मौत नहीं होगी दुखदाई, सुकून में बीतेंगे जिंदगी के आखिरी पल। काशी में मोदी योगी के मिले जुले प्रयास से मोक्ष भवन का निर्माण। काशी का मोक्ष मुक्ति भवन, जहां बाबा के चरणों में मिलेगी मुक्ति। चार दिन की जिंदगी को जीने के लिए आम आदमी जद्दोजहद करता है, इसको बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास करता है, अच्छा खाने पीने रहने का अपने लिए बंदोबस्त करता है। लेकिन जब इसी सब से जूझते हुए उसका अंतिम समय नजदीक आता है, तो वो इन पलों को काफी सुकून में बिताने की मंशा रखता है। आखिरी समय को सुकून से बिता देना चाहता है, और अब इन्हीं आखिरी पलों को सुनहरा बनाने के मोदी योगी सरकार ने इंतजाम कर दिए हैं। उस काशी में जहां बाबा विश्वनाथ की देखरेख में रहकर लोग मोक्ष की प्राप्ति कर इस दुनिया से रुखसत होना चाहते हैं, उसी काशी में विश्वनाथ धाम में मोक्ष का भवन बनाकर तैयार कर दिया गया है। मोक्ष का भवन मतलब अपने अंतिम समय में लोग यहां रहकर खुद को बाबा के चरणों में समर्पित कर देंगे और मोक्ष प्राप्ति का इंतजार करेंगे। जी, विश्वनाथ धाम में एक ऐसा हाईटेक भवन तैयार किया गया है, जहां रहकर लोग भगवत कीर्तन में रमकर जीवन के अंतिम सांस की राह देखेंगे। क्या है ये मोक्ष भवन और इसकी विशेषता क्या है? काशी में बाबा विश्वनाथ का ऐसा धाम है जहां मौत का भी उत्सव मनाया जाता है। मौत पर दुख शोक प्रकट नहीं किया जाता, बल्कि जाने वाले शख्स के लिए खुशी मनाई जाती है कि उसे इस कठिन जीवन से मुक्ति मिल गई। ये नगरी ही ऐसी है जहां लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। बनारस में कई ऐसे भवन बनाए गए हैं जहां लोग रहें और अपने जीवन से मुक्ति की कामना करें, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। कहा भी जाता है कि अगर कोई व्यक्ति काशी नगरी में अपनी श्वास छोड़ता है, तो उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता को लेकर दूर दराज से लोग जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा के चरणों में आकर बस जाते हैं। लेकिन अब उन्हें काशी में अपने अंतिम समय का इंतजार करने के लिए दर दर भटकना नहीं होगा, क्योंकि विश्वनाथ धाम में ही मोक्ष का भवन तैयार कर दिया गया है, जहां वो बाबा की देखरेख में रहेंगे और बाबा से मोक्ष प्राप्ति के लिए कामना करेंगे। इस भवन का नाम बैद्यनाथ धाम रखा गया है। बनारस में इसे मुमुक्षु भवन के नाम से जाना जाएगा। मुमुक्षु भवन, जैसे हम लोगों ने जब एक काशी का नाम आता है, तो एक संकल्पना ये रहता कि लोग काशीवास अपना अंतिम समय में करना चाहते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट था कि लोग काशी प्रवास करना चाहते हैं। उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए भवन बनाया गया। उसमें फिलहाल तो अभी 40 बेड है, जो धीरे धीरे फंक्शनल हो रहे हैं। इस माह में सभी फंक्शनल हो जाएंगे। उनको रहने की वहाँ पे उत्तम व्यवस्था होगी, मंदिर जाने दर्शन करने की व्यवस्था होगी। इन सब उद्देश्य को लेकर के इसको बनाया गया। कैसे लोग वहाँ पे रह सकते हैं? इसके लिए हाँ, एप्लीकेशन देना होगा, रजिस्ट्रेशन देना होगा। एक संस्था चलाएगी इसको, और बाकायदा उसमें जो पहले आए पहले वरीयता के आधार पर उसका चयन होगा। मोक्ष भवन में किस उम्र के लोगों के रहने के इंतजाम? कहा जाता है कि जो आपने बोया है, वो इसी जीवन में आपको काटना भी है। जो आपने कर्म किए हैं, उसका फल भी इसी जन्म में आपको भोगना है। तो अगर आप जवानी में ही अपने लिए मोक्ष प्राप्ति की कामना करने के लिए मोक्ष भवन में बेड लेना चाहें, तो माफ कीजिएगा, आपको ये इजाजत नहीं दी जाएगी। इस मुमुक्षु भवन में सिर्फ 65 साल से ऊपर के व्यक्तियों को ही रहने की सुविधा दी जाएगी। सबसे पहले वरीयता उन बुजुर्गों को दी जाएगी जो जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां उनका अंतिम समय नजदीक है। ये जगह बुजुर्गों के लिए है जो अपने जीवन से जद्दोजहद कर चुके हैं, लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन अब अंतिम समय में सुकून चाहते हैं। मुमुक्षु भवन में क्या है इंतजाम? इस भवन में मोक्ष प्राप्ति के इंतजार के लिए सारी सुविधाएं दी गई हैं। हाईटेक बिस्तर, फुल एयर कंडीशन हॉल, किचन, शौचालय और रहने वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग अलमारी भी। इस भवन में 42 बेड लगाए गए हैं, जहां बुजुर्गों के रहने के इंतजाम किए गए हैं। उनके भोजन से लेकर दवाई तक की यहां सुविधा उपलब्ध है। अच्छी बात यह है कि इस भवन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को बाबा के दर्शन के लिए बहुत दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि ये भवन बिल्कुल बाबा के समीप ही है। बाबा के चरणों में ये मोक्ष भवन बनाया जाना वाकई एक बहुत बड़ी बात है।
मोक्ष के इंतजार में आखिरी समय में बाबा के चरणों से ज्यादा पावन स्थल और क्या ही हो सकता है। बनारस शिव की नगरी है जो त्रिशूल पर बसी हुई है। इस नगरी में एक तरफ माँ गंगा पापों को धोती है तो वहीं बाबा विश्वनाथ तारक मंत्र देकर मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सदियों से इसी मोक्ष की लालसा लिए शिव भक्त जीवन का अंतिम समय इस नगरी में बिताने की इच्छा जताते हैं। ऐसे में अब उनकी मुराद पूरी हो गई क्योंकि अब उन्हें मोक्ष बाबा के चरणों में मिलेगा। 20 अगस्त के बाद इस भवन का उद्घाटन किसी भी समय हो जाएगा। हालांकि अभी इस मोक्ष भवन के उद्घाटन की तारीख तय नहीं हो पाई है। वैसे आप इस मोक्ष भवन के निर्माण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बुजुर्गों के रहने के लिए इस मोक्ष भवन में खास इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।